वडोदरा के सुभानपुरा विस्तार में आई हुई वैसी जोखमी हाईटेंशन लाइन पर कोई भी सुरक्षा कवच के साथ कर्मचारी कार्य करते हुए नजर आ रहे थे। शहर के सुभानपुरा विस्तार में जोखमी रूप से साबित हो चुकी वैसी हाईटेंशन लाइन पर आज सुरक्षा के बगैर कर्मचारी कामगिरी करते हुए कैमरा में कैद हुए हैं। सुभानपुरा विस्तार में आए हुए अमीन पार्टी प्लॉट के पास झांसी की रानी सर्कल पर आज कैपेसिटी बढ़ाने के आशय से गोत्री से गोरवा की 66 केवी हाईटेंशन के टावर पर वायर बदलने की कामगिरी जारी की गई थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की घोर लापरवाही और बेदरकारी सामने आई है, जिसमें हाईटेंशन लाइन वैसी जोखमी रूप से वैसे ये हाईटेंशन लाइन पर कार्य करने के लिए कर्मचारियों को कोई भी सेफ्टी के साधन के बिना ही कामगिरी करवाई गई थी, जिसमें सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हैंड ग्लोव, सेफ्टी हैंड कैप के बिना ये कामगिरी करते हुए कैमरा में कैद हुए है। किसी भी प्रकार की जानहानि अगर होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो उसकी जानकारी के लिए मीडिया स्थल पर आने के साथ ही वे जागरूक बने थे और दिखावी कामगिरी के भागरूप मीडिया को देखते हुए सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल किया गया था। जी भाई, कहा विस्तार छे अने अहिया हाई टेंशन अनी जे लाइन की कामगिरी करवामां आवी छे, शुं कहेशो? हां, राजेश टावर रोड जे अमीन पार्टी प्लॉट अने जे अहिया कामगिरी अत्यारे हाई टेंशन ना वायर बदलवानी कामगिरी चालू छे। क्या प्रकार की कामगिरी करवामां आवी छे? હાઈ ટેન્શન ના વાયર તૂટી ગયેલા અને બદલવાની કામગીરી ચાલુ છે, પણ એ લોકો દ્વારા જે મજૂર વર્ગ છે તેઓ દ્વારા કયા પ્રકારની કામગીરી કરાઈ રહી છે? મજૂર વર્ગ છે એ લોકોને ઉપર ચડાયેલા હાઈ ટેન્શન ઉપર, પણ કોઈ સેફ્ટી બેલ્ટ કે કંઈ પહેરેલું નથી। આપણે તમારું એક જાગૃત નાગરિક હોવાના કારણે તમારું શું કહેવું છે? આવા જોખમવાળા કામ કરતા હોય તો સેફ્ટી બેલ્ટ જરૂરી છે, કારણ કે અકસ્માત પૂછીને નથી આવતું, કોઈ બી ટાઈમે થઈ શકે છે। આપનું નામ? કિશોર ઠક્કર, આયુષ ફાઉન્ડેશન।